लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अफगानिस्तान में जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, बद से बदतर स्थिति हो रही है, उसको लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में जिनको भी डर लगता है वो अफगानिस्तान चले जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में पेट्रोल और डीजल काफ़ी सस्ते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनको हर संभव मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र ही अपना वो भ्रमण कर रहे हैं। इस पर लेकर के हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि उनको अपने विपक्ष के रोल में आना चाहिए और विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का भ्रमण करना चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार के जो बयान तेजस्वी यादव के द्वारा आया था कि नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करते हैं, धरातल पर उतरकर लोगों से मुलाकात नहीं करते, इस पर हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि नीतीश कुमार लगातार हर संभव मदद कर रहे हैं और ये पहली बार है जब नीतीश कुमार लगातार हर जगह जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से आश्वासन दे रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। आपको सीधे सुनाते हैं हरिभूषण ठाकुर के इस पूरे बयान को, इस पूरे मामले पर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है और लोग बदहवास हैं, हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ करके लोगों को भागना पड़ा है और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है, तो बड़ा दुखद है। सर एक सवाल और है कि कल तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पे थे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, धरातल पर आके लोगों से मिलते नहीं हैं। अब ये तो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है कुछ न कुछ कहना, लेकिन जिस तरह से माननीय नीतीश जी बिहार के विकास के लिए और अभी बाढ़ में दिन रात एक किए हुए हैं, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में दर्जनों जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर के ही दौरे पर नहीं है, क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि? और जरूर विपक्ष के रोल में उनको आना चाहिए और पूरे बिहार में घूमना चाहिए उनको। ठीक है, जेडीयू के नेता है गुलाम रसूल पंजाबी, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान से धर्म देख करके नहीं लाना चाहिए, पूरे भारतीयों को लाना चाहिए। ये कोई बात है, धर्म के नाम पर देश बट गया, ये लोग फिर बांटेंगे, अगर भारत के लोग नहीं संभले तो भारत भी अफगानिस्तान बनेगा, तालिबान बनेगा। लोग समझ नहीं रहे हैं, वोट के चश्मे से सब कुछ को देख रहे हैं। मैं संपूर्ण भारत के जितने भी देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें अफगानिस्तान को और उससे कुछ सीख लें। जेडीयू आपकी सहयोगी है? जेडीयू हमारी सहयोगी है, गुलाम रसूल बलियावी का वक्तव्य आपने पूछा है। ठीक।